यो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका एक और हॉरर गेम प्ले वीडियो में। तो आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं ग्रैनी 3। तो ये मेरे फर्स्ट पार्ट का सेकंड पार्ट है, कोई एपिक वन नहीं है। तो जिसने अगर पार्ट वन नहीं देखा, जाओ देखो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके साथ ये घटना जरूर होगा। कैसा लगा मेरा मजाक? देख लिया ग्रैनी का झूला, इसलिए जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जो रेड कलर का बटन जो है उसको जोर का दबा दो ताकि उसका कलर चेंज होके ग्रे बन जाए। इन्जॉय द पार्ट 2। यार मजाक बना के रखा है यार, ऐसे तो ही ना होता है यार। कितना बचने की कोशिश की, अब देखो यार खाली 2 दिन बचा है हमारे पास खाली है। हमारे सर पे से ब्लड भी निकल चुका है, तो इसे खोलते हैं। हमें डोर स्केप करने के लिए कुछ ज़्यादा चाहिए नहीं, बट हमें एक मोटा था। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल रखे ना, आई थिंक मैंने देखा था वहाँ पर ये, तो उसे पहले लेकर आते फटाफट वहाँ से, तभी तो उस डोर को वहाँ उससे डोर लॉक हो जाता है, अनलॉक हो जाता है उससे मशीन काम करने लग जाती है। तो उसे इसे जाके तीसरे फ्लोर, सबसे टॉप फ्लोर पर जाके एक मशीन है वहाँ पर ऑरेंज कलर की, उसमें जाके इसे फिट करना है बस। एंड ठीक है, डोर खोलो, ये अपने आप कैसे खुल गया डोर? ए ग्रैंडपा भागो, अभी ग्रैंडपा कहाँ से आ गया इधर? इसे चले जाने दो भाई, इसे चले जाने अभी कि अभी देखो, अब एक आता है तो एक जाता है, ग्रैनी क्या पीछे पड़ गया ये लोग। और स्टार्टिंग से हमारे साथ यही हो रहा है, कुछ ना कुछ ढूंढ रहा हूँ, फिर कोई ना कोई आ जाता है टोकने के लिए। यार ऐसे थोड़ी ना होता है यार, कब तक ही अभी इंतज़ार करना पड़ेगा हमें यहाँ से। चलो यार बहुत टाइम इंतज़ार करना पड़ रहा है, लो पता नहीं कब आएंगे फिर कब जाएंगे। एंड ग्रैंडपा तो चले गया, एंड बस ग्रैनी चले जाए, एंड बहुत हो गया, अभी हम बाहर निकलते हैं, बहुत हो गया, फटाफट चलते हैं। इसे फटाफट जाके ऊपर फिट करते हैं, डोर एस्केप करते हैं। एंड वैसे हमें खाली डोर एस्केप करने के, बस हमें डोर अनलॉक करना है, बस हो गया शायद, पता नहीं। बट ये ओ भाई मारो, मुझे मारो, 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 मुझे मारो, 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 अभी ग्रैंड, अरे ये लोग कहाँ कहाँ घूमते रहते यार, कहीं तो नीचे यार, नीचे जाओ बाहर, इतना बड़ा पार्क बना के रखा तुम लोगों ने, गंदा सा कार जो भी है इसमें घुस जाओ पहले। ठीक है हाँ, तो पहले लिफ्ट को नीचे बुला लेते हैं, ये ऊपर ही गया है उसे नीचे बुलाते हैं। ठीक है, ये अब तक आएगा, चलो आगे हम ऊपर आराम से बैठ के थर्ड आ गए एकदम ऊपर फ्लोर पर। बट हमें लगता नहीं कि मैं यहाँ से जा पाऊँगा यार, मतलब जो है मशीन वो यहाँ पर नहीं है, गलत ही आ गया मैं यहाँ पे, यहाँ से कैसे जाएंगे वहाँ पर? कोई एक प्लैंक भी नहीं जो लगा के जाऊँ, वो एक लौता प्लैंक है जो वहाँ पे मैंने प्लैंक मैंने वहाँ लगा दिया, बट अब यहाँ से तो जा ही नहीं सकते, यहाँ से कोई जाने का रास्ता है ही नहीं उस कमरे में। अब हमें नीचे उतरना ही पड़ेगा, फिर वहाँ से सीढ़ियों से ऊपर जाना पड़ेगा, रिक्स तो लेना पड़ेगा हमें। देखिए बस कोई मिल ना जाए हमें, ग्रैंड में से, ग्रैंडपा में से कोई ना कोई मिल ना जाए। ठीक है, इसे फटाफट जाके ऊपर रख के आता हूँ, पहले लगा देता हूँ उसमें ताकि कम से कम डोर अनलॉक तो हो जाए। ये देखो सामने स्क्रीन में दिख रहा है, ये ऐसे इस बटन को दबा दो, डोर अनलॉक हो गया, डोर अनलॉक हो गया आई थिंक। अब हम डोर एस्केप कर सकते हैं शायद, चलो जाके देखते हैं, डोर एस्केप हो गया शायद हमारा, अरे हो गया ना, बस हमें जाके बस डोर से भागना है, हमें दरवाजे से निकल जाना है फटाफट। इसको कैसे ट्रैप, अभी ये स्लो क्यों चल रहा था भाई, इतने मार खाया था एक ग्रैनी, इसे चले जाने दो नहीं तो भाई अलग ही हालत ख़राब करेगी हमारा। भाई कितने मार खा कि भाई लंगड़ा के चल रहा है बंदा, क्या करे लौंडा, इतना मार खाया बैस बॉल से सर पे। एंड अरे ये दरवाजे मतलब ये जो इस कैसे जाएंगे अब, इसके लिए ढूंढना पड़ेगा भाई, अलग ही लफड़ा मचा के रखा है लोगों ने, लफड़ा सॉरी। यहाँ पे तो कुछ मिला भी, इसे ढूंढना पड़ेगा यार,
ये लोगों ने इतना सर फोड़ दिया कि भाई ये बराबर चल भी नहीं पा रहा, लंगड़ा रहा है। इसके अंदर अभी कुछ मिलने वाला नहीं है, मैंने पहले ही देख लिया इसके अंदर कुछ नहीं है ये। ठीक है देखो अब कहाँ मिलता है, मैं ये ढूंढो पूरे घर में, तो हमने ऑलमोस्ट पूरे घर में हमने ढूंढ चुका है, अब वो चीज़ हमें कहाँ मिलेगा पता नहीं। पहले ये सारे स्टोन्स उठा लेते क्योंकि हमें काम होंगे, रूबिक्स क्यूब लेते वहाँ से, एंड ग्रैनिया तो ग्रैंडपा में से किसी को स्टन करते। मैं तो सोचा पहले ग्रैंडपा को पहले स्टन करते ताकि उससे हमें वेपन ये मिल जाए, हमें शॉटगन मिल जाए, तो दोनों को हम दो दो मिनट के लिए भाई शांत कर देंगे ताकि हम आराम से घर में कुछ ना कुछ ढूंढ सके। नहीं तो भाई हम नहीं ढूंढ पाएंगे गाइस। स्टार्टिंग से आपने फर्स्ट डे से देख रहा होगा क्या हालत चल रहा हमारे साथ, ग्रैनी फिर ग्रैंडपा एंड फिर लास्ट में सैलरीना। या मतलब जैसे सैलरीना आए ना तभी आप उसे इग्नोर करने लग जाना, अगर आप उसे आँख में से आँख मिलाओगे तो भाई वो छोड़ने वाली थोड़ी ना है। तो इसे देखते हैं अंदर, मैंने कहाँ तो फेंक दिया था उसे उठाते, उसे ढूंढना पड़ेगा। नहीं इस कमरे में तो नहीं है, कहाँ रख दिया, मैंने कहीं रखा मुझे याद नहीं आ रहा है कहाँ पे, यहाँ तो है ही नहीं। आई थिंक ऊपर रखा था क्या मैंने, अरे ये वेपन है, ये तो शॉर्ट गन है। अभी सोया बुढ़ा इसे आराम से उठा लो एंड ठीक है। अबे अबे ऐसा थोड़ी ना होता, इसे कैसे पता चला यार, ऐसा थोड़ी ना होता है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए यार। ऑलमोस्ट हमारा रह गया था डोर एस्केप के लिए, कैसे देख रहे देखो क्या करने वाली है हमारे साथ ये। अबे आज तो दिवाली नहीं है, अबे क्या है ये, पटाखा बम। ओ भाई अबे गाड़ी के साथ ही ब्लास्ट कर दिया जी, कमाल है भाई। कोई नहीं एकदम ओपी दिख रहा है ग्रैंडपा, तो मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा जरूर। सो गाइस आज के लिए हम इतना ही कर पाए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, उस बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तब तक के लिए